रेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। जैसे पहले आप सभी को बता दूं कि 18 दिसंबर का जो हमारा हियरिंग था 68वां नंबर में था, देखिए आइटम नंबर 68, वो जो पहुंच नहीं पाया। हमने रिक्वेस्ट किया था कि जनवरी सेकेंड वीक का लिए डेट मांगा था, लेकिन हमें मिला है फरवरी 6 तारीख। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है सही जा रहे हैं, क्योंकि ना जज का गलती है, बहुत सारे केसेस ज़्यादा है हमारे। लेकिन अभी जो है मैं आपको बता दूं कि जो केस है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो उसका तैयारी हमने शुरू कर दिया है। देखिए हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया है। और इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि हमारे से मिलता जुलता जो एक सिमिलर केस गया था सुप्रीम कोर्ट में 1980 के तहत 1983 में, यानी कि 6 मई 1983 में इसका फैसला आया था। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको हेड किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़, जिनका बेटा अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ जी। और ये भी बता दूं आपको, DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट का डेट है 10 नवंबर 2024, लगभग एक साल बाद। तो मैं ये विश्वास करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ कि हमारा भी जो केस का फैसला इन्हीं के तहत होगा, जो फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, तो उसकी हम तैयारी कर दिया है। और इसमें बहुत सारे चीज़ हम बता दूं कि आपको जो ये पुलिस वगैरह जो बोलते हैं 1985 का, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। तो यह एक इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था हमारे सोहन सिंह जी, जो हवलदार SKT से रिटायर हुए हैं, वो भी जो है RTA काफ़ी किया हुआ है। करीब एक हफ्ता पहले उनसे बात किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो 1941 का जो एक्ट है असम राइफल के, उसके सेक्शन 13 में जो पहले बोलते थे कि हम लोग को जो है असम राइफल के जो राइफल मैन जो बोलते हैं, राइफल मैन, उनको जो है पुलिस बोलते थे, पुलिस ऑफिसर्स बोलते थे। सेक्शन 13 में बताता हूँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 1985 में कैसे पुलिस आ गया, जबकि 1941 का जो एक्ट है उसमें तो पुलिस तो हटा दिया था। देखिए सेक्शन 13 है, जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। सेसर्स ऑफ आसाम एक्ट 1 ऑफ 1920 असम राइफल का, एंड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ राइफलमैन एज पुलिस ऑफिसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बोलते हैं कि राइफलमैन एंड ऑल राइफलमैन सेल ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सीज टू बी पुलिस ऑफिसर्स अंडर द पुलिस एक्ट 1861। पुलिस एक्ट जो 1861 के तहत राइफलमैन को पुलिस ऑफिसर्स जो कहा जाता था, वो असम राइफल एक्ट 1941 का सेक्शन 13 में क्या कर दिया, उसको निकाल दिया है। दैट इज 1941 के बाद असम राइफल्स के जो सिपाही, उसको पुलिस ऑफिसर नहीं कहलाया जाएगा। तो हाउ कम 1985 में जब ऑपरेशन कंट्रोल तो हम आर्मी के ही कर रहे हैं, कैसे पुलिस आ गया, ये भी एक सवाल है। देखिए तो ये बात है। तो हमने ये जो असम राइफल के बारे में तो आप सभी को पता है, देखिए 5 नाम इनका हुआ है चेंज, 5 नाम पड़ा है अभी तक। नंबर 1 1835 में कचारली भी हो गया, 1883 में हो गया आसाम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में आसाम मिलिट्री पुलिस, 1913 को जो है ईस्ट बंगाल एंड आसाम मिलिट्री पुलिस, और 1917 में जैसे आप सभी को पता है आसाम राइफल्स। तो जो 1920 का जो एक्ट है उसको भी हम दिखा देता हूँ आपको। देखें ये है आसाम राइफल एक्ट 1920 जो है 3 साल बाद, जबकि 1917 में आसाम राइफल बना, उसके बाद बना हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात है, देखिए एक्टिव सर्विस, एक्टिव सर्विस जो वर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी एक्ट 1950 में लिखा हुआ है एक्टिव सर्विस, आर्मी के लिए इस्तेमाल होता है वो। अभी आसाम राइफल एक्ट 2006 में इसको क्या कर दिया, वो लोग ने एक्टिव ड्यूटी कर दिया। वो पता ना उसका मीनिंग क्या, मेरा समझ में नहीं आता है, वो एक्टिव सर्विस होना चाहिए। तो ये है देखिए आसाम राइफल एक्ट 1920 को दिखा रहा हूँ आपको। देखो आसाम राइफल एक्ट 1920 में जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 में, एक्टिव सर्विस मीन्स सर्विस एट आउटपोस्ट और अगेंस्ट हॉस्टाइल ट्राइब्स और अदर पर्सन इन द फील्ड, एक्टिव सर्विस है। और 1941 का जो एक्ट है देखिए उसमें भी एक्टिव सर्विस है। देखिए ये है 1941 वाला है, ये आप लोग इसलिए बता रहा हूँ आपके बीच में कोई इनक्यूसिटिव आदमी होगा, कोई एयर कैडर ऑफिसर्स हैं जो जवान लोग ऑफिसर बनना जा रहे हैं, उनको असम राइफल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ये सब एक्ट वगैरह जानना, ये है 1941 का जो एक्ट है उसमें भी एक्टिव सर्विस है। देखिए समझ में आना, एक्टिव सर्विस है। और जो 1941 का एक्ट में सेक्शन 13, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, पुलिस जो है हट चुका है, तो 1985 में कैसे ये पुलिस बन गया दोबारा, ये सब सोचने की बात है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग रिसर्च करेंगे,
और रिसर्च करने के बाद एक चीज़ जो है देखिए, फिर मैं आपको बता दूँ, आसाम राइफल एक्ट 2006 बना, आसाम राइफल रूल्स आया 2010 में, और आसाम राइफल रेगुलेशन, ये है रेगुलेशन, देखो आसाम राइफल रेगुलेशन आया है 2016 में, उसमें भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, देखिए सेक्शन 2 में लिखा हुआ है डेफिनेशन क्या है आसाम राइफल का, बताते हैं कि आसाम राइफल मीन्स पारा मिलिट्री आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कर रखा है, और सेक्शन 3 में जो 1985 का 11 जनवरी 1985 का जो लेटर है इंडियन आर्मी का, जिसमें आसाम राइफल एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आर द ओनली पारामिलिट्री फोर्स जो लिखा हुआ है और डेफिनेशन दे रखा है पारामिलिट्री का, और सेम जो है देखिए आसाम राइफल रूल सेक्शन 3 में ये लोग ने इंक्लूड कर रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसा आप सभी को पता है कि आर्मी की तरह है करके लिखा हुआ है आसाम राइफल रेगुलेशन 2016 में। आसाम राइफल इज ए पारामिलिट्री फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया विच इज रेज्ड ऑन मिलिट्री लाइन विद द इंटेंट ऑफ सप्लीमेंटिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया बोथ इन वॉर एंड पीस। इट फंक्शंस एज एन एंसिलरी टू द मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया विद द लीडरशिप ड्रॉन फ्रॉम द आर्मी। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड ऑन द पैटर्न ऑफ आर्मी। तो कैसा है पुलिस हुआ है कि नहीं, सोचने की बात है। तो आप लोग हिम्मत मत हारिए, अपना ड्यूटी सही ढंग से करते जाइए। तो मैं दो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ देखिए, अभी एक तो 1985 का जो अमेंडमेंट हुआ है, मैंने भी कैबिनेट सेक्रेटरी को आज भी सेक्रेटरीट में लेटर लिखा है आरटीआई में, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने उनसे बात भी किया है, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यानी कि अगला हियरिंग से पहले। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 1985 का जो हमें पुलिस जो करके रखा है बिना ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी के चेंज किए बिना, काम तो वही कर रहे हैं तो कैसे पुलिस होते हैं हम लोग। तो दो चीज़ होगा देखे, एक तो फाइनली इसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर 1985 का अमेंडमेंट को क्वेश्चन करना है। नंबर टू, जो आरएसआई का जो बात कर रहा हूँ मैं, आरएसआई अनलॉफुल है, वो शायद इस साल या जनवरी तक क्या हो जाएगा, डी रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद में जो आरएसआई जो भी ये लोग करते हैं डीजर वो जाने, लेकिन अनलॉफुल है, जब अनलॉफुल है तो अनलॉफुल। दो चीज़ मैं प्रेडिक्शन करता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था, जब सीएसडी मिला था आरएसआई अडूर के जो प्रेसिडेंट है सुब्दार मेजर सीएस नायर सर जो है, एक मीटिंग करके मुझे फेलिसिटेट किया था वहाँ पे, तभी मैंने उनको बताया था कि ईसीएचएस भी आप लोग को मिलेगा आसाम राइफल को। इतने लोग ने हमारे अगेंस्ट में देखे, डीजीआर डिफेंस इंडियन आर्मी, तब भी फाइनली हमको जो है ईसीएचएस मिला है, ये बहुत बड़ी जीत है। देखिए एक ऐसा समय था, ये जो इसका जजमेंट आया था सिंगल 30 जनवरी 2015 को, उससे पहले जब सीएपीएफ बना, आसाम राइफल तो सीएपीएफ में नहीं है, तो हमें जो है सीएचएस से भी निकाल दिया, ईसीएचएस भी नहीं मिल रहा है, देखिए ऐसा हालत हो गया था एक बार। तो उस वक्त एक समय था देखिए, जब 30 जनवरी 2015 को जो जजमेंट आया, तो मैंने वार्प को लिखा मिनिस्ट्री ऑफ होम में, उन्होंने जो है बड़ा अच्छा एक लेटर लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरिसमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इनको देने के लिए, तब भी जो है डीजीआर ने क्या कर दिया, जो सीजीएचएस जो निकाल दिया था वो सीजीएचएस वो दिलाने में रह गया। यह क्यों ये लोग जो है बेनिफिट के लिए हमारे अगेंस्ट में, मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले, एक राइफल वुमेन मुझे फ़ोन किया था, मथुरा एमएच में जाकर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, देखिए वो यूएनओ में 6 जाट के साथ नौकरी करके आया है, तो उसके लिए भी जो रिपोर्ट नालिस हुआ है, वो लेडी ने मेरे को बताया बाद में, उसका सीओ ने जो फिर उधर एएफएम जो डीजीआर में है मेडिकल ऑफिसर, उनसे बात किया, उन्होंने बाद में बताया आप लोग ऑथराइज नहीं है। तो ये डीजी का जो फर्ज बनता है, डीजीआर तो आजकल पूरे आरएसआई में ही घूमता हुआ नजर आता है, तो यह सब काम उनका है। देखिए क्यों नहीं मिल रहा है आर्मी का बेनिफिट, जो काम हम उनके अंदर कर रहे हैं उनका तरफ से भी कुछ प्रयास होना चाहिए। तो ये जो है काफ़ी दुख की बात है, लेकिन ये मिलेगा, देखिए हम कोर्ट के द्वारा हम दिलाएंगे, और काफ़ी टाइम हो गया, देखिए 9 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है। तो अगले वीडियो आने तक सभी को गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।